दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजीव यूपी वाला का। तो आज हम बता दें कि आज हम लोग जा रहे हैं मेले घूमने और अपने दोस्त के साथ। सारा इतना तेज गाड़ी चला रहे हैं लोग, इतना तेज चला रहे हैं, आपको दिखा दें। वीआईपी है हमारे यहाँ के, क्या बताएं। रोड आप देख रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि आज हमको मेला घुमाएगा, ये हमको लगता है कि आज हमको थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड हो गया था इसलिए तेज चला रहा है। आज तक जब हमारा काम पड़ रहा है इसके बाइक पर बैठे थे। अरे भाई साहब, क्या बताएं, इसका मन बहुत ही बाइक में लगता है कि अच्छी बात है। समझ आया कि इसका पापा इसको क्यों नहीं चलाते अच्छी बाइक। रोड का सारा ठीक नहीं है, तो कमी हो ही नहीं रहा। भाई इतना तेज पहुँच चलता है भाई, कभी कभी लग रहा है कि लौड़े लग जाए। भाई बाइक कभी कभी बंद कर देता है। अभी देख लीजिए ये मार्केट में। अरे भाई साहब, क्या बताएं आप लोगों को, एक में देखा आवाज लगा के आई वो दुनिया के ठुकरा के। दोस्तों देख लीजिए, इस आला छुपिया का फ़ोन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्रॉसिंग पे और वो बंदा बोल रहा है खुद ही हम ही क्रॉसिंग पे। कहाँ पे हो जी, देख लीजिए। अबे भाई बोल रहा है क्रॉसिंग पे पीछे है भाई, बहुत बड़ा छुपिया है वो दोस्त है। हेलो, देख लीजिए बंदा पीछे है और बोल रहा था कि क्रॉसिंग पे है। देख लीजिए दोस्तों में यही होता है साला। हाल हम तीनों दोस्त मिल चुके हैं, अब फिर गाड़ी चलने लगी और देख लीजिए ये प्रतिशोध कभी भी जीवन में धीरे गाड़ी नहीं चलाएगा। इसे कहते हैं कार फटे तो फटे, ना भागी ना घटे। लेने के साथ साथ अब कुछ और हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। आई लगता है कि इसका घंटा दिखाने के चक्कर में हमारा घंटा ना बंद जाए पीपल के पेड़ पर। तो बता दें कि भाई इतना तेज वाली, और भाई किनका ही है हमारे दोस्त का जो कि ये बोल रहे हैं कि भाई गाड़ी नहीं है, गाड़ी की घर बात की जा रही है ताकि जवानी से पहले ही खिला पाए। गाड़ी नहीं है, अब
एक्सचेंज होगा। अरे भाई भाई दूसरी में जो मजा आता है तीन दोस्तों में क्या बताएं। अब ड्राइवर चेंज हो गया है और अब मेला का आनंद हम लोग लेंगे। रास्ते में मजा आ रहा है, रास्ते से पड़ रहा है, रास्ते दिखाओ जरा लोगों को। आ गए हैं अब हम लोग गंगापुर वाले रोड में और यहाँ से आगे जो आप लोगों का पीछे हम लोगों का जो रास्ता दिखाओ बच्चा, इस रास्ते जो में मेरा दोस्त राजू जो है इसके पास और ये आगे यहीं पे गिरा। फाइनली ब्रो अभी हम मेले के नज़दीक में आ चुके हैं, फिर भी तो ये एक मंदिर दिखाई दिया जहाँ पे इन लोगों ने बोला कि थोड़ा एक फ़ोटो शूट हो जाए। मेले में जाते हुए मेले में बहुत से उमड़ी हुई है जो कि आपको रोड पर दिखाई दे रही है कि अभी रोड पे जो चलने के लिए कदम कदम चलने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। तो बता दें कि आप दूर से ही समझ सकते हैं कि आज मेले में कितनी भीड़ होगी। अरे रोड पे चलने के लिए जगह नहीं है यार, अब मेला की क्या बात बताएं आपको, अभी से उत्साहित ना होता है क्या बताएं भाई। मेले में जाने वाली राय अभी लगभग अब मेले में भीड़ उमड़ती हुई नजर आएगी। प्रवेश कर चुके हैं, प्रवेश अभी प्रवेश के कगार पर देख लीजिए भैया, मेला में भीड़ बा। मेले में जा रहे हैं फिलहाल में। अरे यार आज मेले का आखिरी दिन है तो हम लोग मेले में आ चुके हैं, मेले के समय नहीं और मेले में आ चुके हैं तो आज मेले का आखिरी दिन है। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आप वो पसंद चला होगा, देख लीजिए ये टेम्पो स्टैंड है ना, आगे नहीं नहीं आगे ले जाने की गाड़ी, हमको गाड़ी आगे ले जाएंगे भाई, यहाँ से काफ़ी दूर थोड़ा है ना, थोड़ा चलने में दिक्कत होगी इसलिए हम लोग गाड़ी आगे ले जाएंगे और फिर जमा करेंगे उसके बाद। भैया गाड़ी कहाँ लगाओगे? अरे भैया राइडर में बना दो, आगे आगे लगा लगा लगाओ, चलो ठीक है लगाओ इसमें, लगाओ लगाओ और इतना आवाज दीजिए, आवाज दीजिए। आ रहे हैं आ रहे हैं अभी यहाँ पे अपनी बाइक को भैया पर्ची रहे तो मेला में जाने के लिए बेकरार है, पर्ची तवा तोड़ पकड़ रहे हैं। हम आ चुके हैं हम मेले में, तो जा रहे हैं मेले के अंदर और यहाँ पे जनसंख्या आप देख सकते हैं कितनी उमड़ी हुई है। आ चुके हैं मेले में, इतनी शोरगुल की वजह से थोड़ा वीडियो में कमी आवाज आएगी तो बता दें आपको। आ चुके हैं मेले में और इनका बेल्ट छूट गया घर पे, देख लीजिए और इनको बेल्ट हमको देना पड़ा खोल के आखिर में, ताकि दोस्त है ना फर्क जाएगा तो दिक्कत होगी। हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अब मेले से, अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो सोचे कि कुछ आपको बता दिया जाए, कुछ मेले में हम लोग सीख भी मिला कि भाई चरखी के पास नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ऊपर से आज लोग उल्टियाँ भी कर देते हैं। अरे आपको क्या बताएं, वहाँ पे एक औरत के ऊपर एक लड़की ने उल्टी कर दिया था और उसका साड़ी भी गंदा हो गया था। उस मार्केट में जाएंगे, कुछ खरीदेंगे या खाएंगे, उसके बाद अपने घर के लिए पैदल ही रवाना होना पड़ेगा क्योंकि बाइक को लेकर चला गया।